ठीक है सर। तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं फॉर्मेटिंग का पार्ट। एडवांस एक्सेल में हम बात करेंगे फॉर्मेटिंग का। फॉर्मेटिंग मतलब कि एक्सेल पे किस तरीके से हम फॉर्मेट करेंगे। अब फॉर्मेटिंग जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगला चैप्टर हमारा फॉर्मेटिंग का ही है, तो फॉर्मेटिंग इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंपॉर्टेंट पार्ट क्यों है? क्योंकि हम फॉर्मेटिंग से ही बाकी बहुत सारे रिपोर्ट को अट्रैक्टिव बनाते हैं, मोर इंफॉर्मेशन फुल बनाते हैं और इजी टू अंडरस्टैंड बनाते हैं। अब एग्जांपल के लिए हम आपके साथ एक सिंपल सा एक अटेंडेंस का फॉर्मेट आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सिंपल सा, जैसे कि हम यहाँ पर मान लीजिए एक सिंपल सा ऑटोमेटिक अटेंडेंस का फॉर्मेट हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे हमने दिया मंथ। जब भी कोई डेटा बनाए तो इसकी जो इम्प्लॉई कोड है, मतलब जो यूनिक आईडी है, वो पहले रखे, ठीक है। और मैंने यहाँ पे स्टार्ट डेट यहाँ पे डाल दिया। मान लीजिए मैं अगस्त बना रहा हूँ, तो अगस्त का डेट हमने यहाँ पे डाल दिया और इक्वल इसको सिलेक्ट किया, प्लस वन किया। अब ध्यान रखिएगा, अब डेट बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि डेट को सिलेक्ट करके ड्रैग कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। हर बार, हर साल आपको हर बार जो है ड्रैग ही करना पड़ेगा। तो क्या कीजिए, ड्रैग करने के बजाय इसमें आप इक्वल कीजिए, अगले डेट में प्लस वन कर दीजिए और फिर इसको आगे की तरफ ड्रैग कीजिए। ठीक है, ठीक है सर। बाकी जो डेट है इसको डिलीट कर देते। यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला लगाया टेक्स्ट का, जो कि इसका सैटरडे संडे दे देगा। ये चीज हम आगे कवर करेंगे आपके साथ, बस आपको यूज बता रहा हूँ कि क्या यूज क्या है। हो गया सर। उसके बाद हम कुछ नाम देते हैं, वन टू, इस तरह से नीचे की तरफ आते हैं, ड्रैग करते हैं, पर्सन से नेम दे दिया। अब एक चीज बताइए कि हम अटेंडेंस शीट पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग, अटेंडेंस शीट में हम डेट इसलिए देते हैं क्योंकि ताकि पता चल सके हमें कि बंदे ने कब ज्वाइन किया था। अब ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत सारे कंपनीज में क्या है कि जो लीव है वो अप्रूव, अगर आपने तीन महीने का पीरियड पूरा नहीं किया है तब। उसके बाद हम इसकी फॉर्मेटिंग करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है, सैटरडे एंड संडे को हाईलाइट करना है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम आते हैं। हेलो, सॉरी सर, मैं ब्लूटूथ चेंज हो गया। तो यहाँ पे हम सैटरडे संडे को हाईलाइट करते हैं। तो सिंपल सा हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के न्यू रूल्स में जाएंगे, यूज फॉर्मूला, और यहाँ पे हम देंगे ऑल फॉर्मूले के अंदर में कि ऊपर वाला वैल्यू इक्वल टू सैटरडे कॉमा, इसको सिलेक्ट किया और हमने बोला कि ये संडे। और फिर हम क्या कर रहे हैं, ई के आगे का डॉलर साइन हटा देते ताकि एक ए हो, मतलब जब हम ड्रैग करें तो अपने आप को चेंज करना। एंड ओके, एंड फॉर्मेट एंटर कर लिया और जहां पर डेट है हमारा
वहां तक फॉर्मेट करते हैं। अब पूरे डेटा को सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं फॉर्मेट से, और एक मिनट, दो इसका दो अलग अलग पार्ट है ना, कैटेगरी इसको सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं फॉर्मेट से, और इसमें हम बॉर्डर लगा देते हैं, साइड बॉर्डर हमने ये बड़ा वाला लगा दिया और बीच में डॉट लाइन लगा दिया ताकि हमें देखने में आसानी हो, और इसको हम सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं फॉर्मेट से, इसमें हम ऑल बॉर्डर जो लगता है तो लगा, ओके। उसके बाद मर्ज, तो हमने इक्वल किया उसको सिलेक्ट कर दिया, और इससे हमने राइट क्लिक किया फॉर्मेट से, नंबर फॉर्मेट में हम यहाँ पे कर देते हैं MMM एंड Y पूरा आया मर्ज। और अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है कि हम अटेंडेंस बना लिए, अटेंडेंस बाद में बनाते हैं, सबसे पहले जो अगस्त दिख रहा है ना, इससे क्या होता है कि हमारा जो ए है रिपोर्ट है वो बहुत बड़ा हो गया है, तो जब हमने मंथ का हेडिंग ऊपर डाल दिया है तो यहाँ मंथ रखना जो भी नहीं, मैं राइट क्लिक करता हूँ फॉर्मेट सेल करता हूँ और यहाँ पे सिर्फ दो बार डी भी कर देता हूँ, ओनली फॉर टू टाइम्स डी, और इसके बाद इसको थोड़ा सा हम बोल्ड करते हैं और इस दोनों को हम थोड़ा सा हाईलाइट करें, हालांकि अगर प्रिंट आउट अगर ले रहे हो तो हाईलाइट नहीं करना चाहिए, बस थोड़ा सा हाईलाइट करके तो अच्छा है। इस पूरे टीप को सेलेक्ट करके मैंने इस पर डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करने से क्या हुआ, छोटा हुआ। अब मान लीजिए अभी हो गए, उसके बाद हम यहाँ डेज लेआउट से हमने इसको लाइन को हटा दिया, तो लाइन हट गया, ये अटेंडेंस का फॉर्मेट से आ गया। अब मान लीजिए मुझे अटेंडेंस फिल करना है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपका आपका जो वीक ऑफ है वीक ऑफ फिल कर दीजिए, अलग से देखिए हमने इसको सेलेक्ट करके नीचे ड्रैग किया तो साइड में देख रहे आपको क्या आ रहा है, इसमें आप देखेंगे फिल विदाउट फॉर्मेटिंग, इसे क्या हुआ कि आपकी फॉर्मेटिंग को कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे यहाँ पे डब्ल्यू डब्ल्यू और नीचे फिल कर दिए और इसमें फिल विदाउट फॉर्मेट, और इसको कॉपी करके हम पेस्ट भी कर दें। देखिए अटेंडेंस बनाने का बहुत ही आसान तरीका है, आपको अब इसमें एक चीज और है, इसमें कॉपी किया तो पेस्ट करते हैं, यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन भी आता है कि कौन सा पेस्ट किया, मैंने पेस्ट की वैल्यू किया फॉर्मेटिंग में, अभी आपके सामने देखिए। अब मुझे क्या करना है, होलीडे तो 15 अगस्त को रिजल्ट का होलीडे था तो यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं क्योंकि होलीडे था ना, वेस्टेड होलीडे था, अब इसमें एक चीज और है। अब मैं क्या करूंगा कि जैसे पूजा का डेट जैसे देखूंगा कि पूजा क्या पूरे महीने में छुट्टी मारी है, नहीं पूजा पूरे में छुट्टी मारी बस सैटरडे को आई थी 22 तारीख, फिर नीरज नीरज ने जो है 5 और 6 को छुट्टी की थी और उसका जो है पेड लीव है, हमने पेड लीव, उसके बाद फिर नीचे मारते हैं मोहन ने बाकी किसी ने छुट्टी नहीं की, बस यहाँ उदय ने जो है वो यहाँ छुट्टी किया है बट उसका पेड लीव नहीं है, जो भी हो।
अब देखिए बाकी जितने भी ब्लैंक सेल दिख रहे हैं वो सारे ब्लैंक सेल क्या है, उसमें हमें पी परसेंट को शो करना है। ठीक है सुनील जी? ठीक है सर। किसको शो करना था? परसेंट को शो करना है। तो हमें क्या करना है कि सिलेक्ट करना और कंट्रोल एस कर दीजिए, ऊपर वाले को ब्लैंक रखिए और नीचे वाले को सी कर दीजिए। अटेंडेंस पूरी हो गई सर? मतलब ये समझिए ना कि जब आप अटेंडेंस लगाते हैं, 14 बंदे हैं, तो मुझे अगर नॉर्मली एंट्री करना पड़ता तो मुझे करना पड़ता 14 × 31, 1464 एंट्री करना। जैसे देखा कि मैंने मात्र 3 एंट्री की, 4 एंट्री की, एक पूजा की, दूसरा एक और किसी और की है, मीट का था नीरज की, और एक हमने उदय की है। समझे? क्योंकि हर एम्प्लॉई औसतन जो है 2 दिन की छुट्टी महीने में मारता है, तो हमें मात्र 2 दिन की एंट्री करनी है, बाकी अपने आप की कर दी। समझ गए? तो अब इतने, अब इसमें और भी चीजें कर सकते हो कि अब इसमें पता नहीं चल रहा है कि लीव कहाँ है, लीव ढूंढना पड़ रहा है ना सर? क्या बीकॉप का हमें पता चल जा रहा है, येलो है तो इजीली पता चल जा रहा है कि बीकॉप है? तो लीव के लिए भी हम इस तरह से हाईलाइट करेंगे। तो ये अगली जो हमारी कुछ क्लासेस फॉर्मेटिंग की होगी उसमें इसी तरह की चीजें बताएंगे कि हाउ कैन सिंप्लाई योर रिपोर्ट विथ द कलर्स एंड फॉर्मेटिंग। हो गया? हाँ जी सर। अब सितंबर महीने में मुझे अगर, मान लीजिए सितंबर महीने में मुझे अगर रिजल्ट रिपोर्ट बनानी हो तो मुझे क्या करना है? मैं सबसे पहले जितना को सिलेक्ट करूंगा और डिलीट कर दूंगा, और यहाँ डेट पे जाऊंगा और यहाँ मंथ को 8 to 9 करके एंटर मार दूंगा, बाकी सारी रिपोर्ट अपने आप चेंज हो गया सर। ठीक है सर। सितंबर आ गया, पूरी रिपोर्ट अपने आप चेंज हो गया। अब आगे क्लास में मैं ये भी बताऊंगा कि देखिए यहाँ पे देखिए वेडनेसडे था, अब यहाँ पे थर्सडे है, 1 तारीख आ गया। अब 1 तारीख जो है हमारा ओ ए था, मतलब कि नहीं है, नहीं चाहिए, तो ए भी हट जाएगा, इसलिए फॉर्मूले और बात चीजें लगानी पड़ेगी, फिर हम आगे क्लास में आपको समझाएंगे। ओके सर? तो फॉर्मेटिंग इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसके पहले आप पेस्ट स्पेशल के बाकी चीजों की प्रैक्टिस अच्छी से कर लें, क्योंकि पेस्ट स्पेशल का भी यूज होता है। जैसे आपने देखा आपसे मैंने ड्रैग किया था, तो हमें ड्रैग करने के बाद हमने क्या किया, अगर हम ड्रैग किए तो हमें उसकी फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए, तो जिससे कंडीशन फॉर्मेटिंग लगा हुआ है, बहुत चीजें लगा हुआ है, तो हमें सिंपल यहाँ पे फिर विदाउट फॉर्मेटिंग कर लेगा, मतलब कि पेस्ट एज ए वैल्यू, ये चीजें आपको पता चलेगी। तो एक बार आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग की प्रैक्टिस करें।